देश में फैली महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से राहत एवं बचाव कार्य हेतु DRM पब्लिक स्कूल अयोध्या के प्रबंधक बद्रीनाथ तिवारी द्वारा 1,01,000 का चेक राष्ट्रहित में अयोध्या जिलाधिकारी अनुज कुमार झा को प्रधानमंत्री राहत कोष में प्रदान किया गया। संस्था के प्रबंधक बद्रीनाथ तिवारी ने कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारी संस्था जो भी संभव हो सकेगा हम लोग मदद करने को हमेशा तैयार रहेंगे और हमारी लोगों से अपील है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपने घर में रहकर खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने में सहयोग करें। उनके साथ संस्था के निदेशक तुषार तिवारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री राहत कोर्स में मेरे द्वारा 1,01,000 रुपये दिया गया है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये पूरे जनहित का मामला है और गरीब जो दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं उनको इसमें अनाज नहीं मिल रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, कहीं खाने वगैरह परेशान हैं, तो ऐसी राहत कोष में यदि थोड़ा थोड़ा सहयोग सबके द्वारा किया जाएगा तो भुखमरी से गरीब लोग बचेंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, उनका इलाज हो जाएगा, समुचित व्यवस्था हो जाएगी और ऐसी दैवीय आपदा में हर व्यक्ति को, हर विशेष, हर कास्ट को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये जनहित का काम है, देश हित का काम है, देश हित में उठाया हुआ फैसला है। मैं अपेक्षा करूंगा, आशा भी करूंगा कि जो लोग भी समर्थ हैं देने में, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, इसमें सहयोग देनी चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इसी के साथ परसों क्या राशन वितरण का भी कार्यक्रम बढ़ चढ़ के कराऊंगा, गरीब लोगों को मैं राशन उपलब्ध कराऊंगा और इसमें मैं 5 प्रकार के अन्न उनको उपलब्ध कराऊंगा कैरी बैग में, जो कि पॉलीथीन मुक्त रहेगा और जितना भी हो सकेगा मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा और गरीबों को सारी सुविधा से मुहैया कराऊंगा। जितनी भी व्यवस्थाएं हमारे लायक होंगी वो व्यवस्था मेरे द्वारा दी जाएगी। हमारे जनता हम और हमारे गांव के लोग सब हमारे साथ हैं, इस दैवीय आपदा में सब लोगों का सराहनीय योगदान रहा है और लोग सहयोग कर रहे हैं। और इस महामारी की घड़ी में अगर कोई गरीब दुखिया है तो वो अगर खाने बगैर पीड़ित है या परेशान है तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है, हमारे आवास पर आ सकता है और उसकी यथासंभव जो भी मदद होगी उसकी हमारे द्वारा मदद की जाएगी।